नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके समाचार। मैं हूँ आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आपके समाचार पर। खबर दिखेंगी सच। मथुरा नगर के डीएसए कॉलेज रोड स्थित श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हुआ। भागवत प्रवक्ता पंडित वेदव्यास जी के मुख से रसपान का आनंद लेते हुए श्रोतागण भाव विभोर हो गयी। इस दौरान संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। वेदव्यास जी का समस्त ब्रजवासियों से यही कहना था कि धर्म को ज्यादा से ज्यादा अपनाए, तभी ब्रज सभी समस्याओं से मुक्त हो सकेगा। आरपीएस समाचार के लिए मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट कृष्णा गुप्ता। आज हम मौजूद तो हैं मथुरा शहर के डीएसए कॉलेज क्षेत्र स्थित, और यहाँ पर बड़ा ही हर्ष का वातावरण है। संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया है। मथुरा जनपद वैसे भी तीन लोकों से न्यारी है, कृष्ण की नगरी है मथुरा, और यहाँ पर समय समय पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता रहता है। इसी के मद्देनजर यहाँ पर आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ वार्ता के लिए जुड़ चुके हैं वेद व्यास जी। आपसे हम रूबरू हो रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कहना है, आज क्या संदेश देते हैं ब्रजवासियों को, भागवत कथा का क्या महत्व है अपने आप में, अलग वैसे तो अलग पहचान है। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जिस भूमि पर हम बैठे हुए हैं वह भूमि मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से, सात पुरियों में से दूसरी पुरी मथुरा पुरी। ब्रज 84 को उस ब्रजमंडल में बैठे हैं। बालकृष्ण भगवान की लीला स्थली क्रीड़ा स्थली जन्मस्थली में बैठे हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि हम लोग मोक्षदायिनी भारतवर्ष की सात पुरियों में से एक पुरी जो दूसरा नंबर है मथुरा पुरी में। साथ ही मैं अपने समस्त श्रोताओं को, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ आ रही है और फेसबुक के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, जो आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, मैं सभी भक्तों को, सनातन धर्मावलंबियों को, प्रेमियों को यह कहना चाहूँगा, यह संदेश देना चाहूँगा, जो हमारी आज की नई जनरेशन है, नई युवा पीढ़ी है, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अपना रुझान कर रही है, उन्मुख हो रही है, जा रही है, तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, हमारा सत्य सनातन धर्म अनादि है, जिसकी कोई अवधि नहीं है, सृष्टि के पहले का हमारा धर्म है। इसलिए हमको अपने धर्म को, धर्म एव हतवन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करनी है। आज हम लोग कितनी मिशनरियों के माध्यम से अलग अलग धर्मों में, अलग अलग पंथों में खंड खंड हो रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं, हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए भिन्न हो रहे हैं, हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता को जीवन में धारण करना पड़ेगा, अपनाना ही चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। साथ ही मैं सभी को यही कहना चाहूँगा, एक पंथ, एक ग्रंथ और एक ही मत हम सबका होना चाहिए, एक रास्ता, एक इष्ट और एक ही ग्रंथ हमें जीवन में धारण करना चाहिए। और पाश्चात्य संस्कृति जो हम पर, पाश्चात्य देशों की हम जो नकल कर रहे हैं, वो नकल करना ठीक नहीं है, एक ना एक दिन हमको वापस आना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम सुबह के उठ के शाम को भूल करके वापस आ जाएं और श्रीमद् भगवद गीता, भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित के लिए परलोक को सुधारने के लिए बनाई, परलोक सुधर गया, तीनों काल समर गए, हमारा जीवन सुधर गया। तो छोटे छोटे बच्चों को यही कहना चाहूँगा, अभी से ध्रुव जी ने बाल्यावस्था में भजन किया, प्रहलाद जी ने बाल्यावस्था में भजन किया, तो हमें भी ध्रुव और प्रहलाद से ये शिक्षा प्राप्त होती है, भागवत जी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी समय रहते चेतने गुमामी नर्तन फेर ना मिले, ये माया संग न चले। इसी के साथ भागवत जी से प्रार्थना करेंगे।
सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। और वैसे भी हमारे राष्ट्र पर, हमारे देश पर, हमारी हिंदू संस्कृति पर कितने ही कहते हुए संकोच नहीं करूंगा, वैधर्मी लोग कुठाराघात कर रहे हैं। उन वैधर्मी लोगों के कुठाराघात से बचने के लिए सनातन प्रेमियों को संगठित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, एक साथ एक पंथ ग्रंथ और मत के साथ में डट करके चलना पड़ेगा और प्रभु का साथ। शिवनाथ अग्रवाल डिग्री कॉलेज के समीप अपने मुख से पंडित वेद व्यास जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो भागवत प्रवक्ता हैं उनके द्वारा उद्बोधन दिया जा रहा है। संपूर्ण वातावरण आप इधर देख रहे होंगे कि मतलब यहाँ पर संपूर्ण वातावरण भक्ति में हो गया है। और अब हम अंत देते हैं इस कवरेज को। कुलवंशी वारे की जय, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी की जय। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।